फ्रेंड्स, एच पी लेजर जेट प्रो MFP M226DN में यहाँ पे आके हाफ अटक जाता है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके, और इनिशलाइज नहीं होता, और ये दोनों लाइटें फ्लैश करती रहती हैं। तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे और क्या इसके पीछे रीज़न है, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू आए तो कमेंट करके पूछिए। तो इसको एक बार बंद करते हैं मेन पैनल से, तो नहीं बंद होता है ऐसे, देखिए, क्योंकि ये एरर कंडीशन में। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसको पावर निकाल के दोबारा से लगाएंगे, दोबारा से देखते हैं एक बार, क्या पता इनिशलाइज हो जाए। देखिए यहाँ पे लाइट तो जल गया है, बट एक बार और पावर, तो इंजन में यहाँ पे रोटेट करा है, देखिए, बट ये इनिशलाइज नहीं हो रहा। देखिए इंजन घूम रहा है, इनिशलाइज नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको सेल्फ डायग्नोस्टिक के लिए, कि आपका लेज़र स्कैनिंग यूनिट वगैरह चेक करना है, फ्यूजर वगैरह, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसका डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 बार कवर ओपन करके बंद करेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक इंजन रोटेट करेगा, और एक सेल्फ टेस्ट निकालना चाहिए, एक जो लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आता है वो प्रिंट करना चाहिए। अगर वो प्रिंट करके निकालता है, देखिए पेज उठा लिया, यहाँ पे पेज उठा लिया, एक प्रिंट करके बाहर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे इनिशलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से एक लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से प्रिंटिंग आ जाएगा, जिसे इंजन टेस्ट बोलते हैं। तो यानी कि आपका फ्यूजर और लेज़र स्कैनिंग यूनिट ओके है। ये आपकी जो लॉजिक कार्ड है और फैक्स कार्ड की कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू है, तो उसको चलिए हम देखते हैं कैसे ठीक करेंगे। तो प्रिंटर को बंद करेंगे, और ये अपना प्रिंटर है, इसको साइड से लेते हैं, देखते हैं। तो ये इसको खोलेंगे, इस हिस्से को जिधर लॉजिक कार्ड लगा हुआ है अपना, खोल के दिखाता हूँ आपको। एक पेच लगा होता है, तो यहाँ पे मैंने पेच खोल लिया, और आप इसको आसानी से ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए खुल गया कुछ इस तरह से, और इसको साइड में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ, अगर आप देखोगे तो कनेक्शन है यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा कंट्रोल पैनल का है, तो इसको हम छोड़ देंगे, कंट्रोल पैनल से कोई नहीं। ये हमारा फैक्स केबल है, तो इसका केबल देखेंगे, इसका केबल थोड़ा सा हमें रस्टेड लग रहा है, तो इसको भी हम निकालेंगे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए CCD की जो स्कैनर की केबल है वो यहाँ पे डैमेज हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे ख़राब है। तो इसको हम क्या करेंगे, आज चेंज करेंगे, ठीक है। तो और ये हमारा ATF की केबल, तो ये भी बिल्कुल ख़राब है, डैमेज है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो ATF से रिलेटेड वो अलग इशू है, लेकिन ये केबल आपका होना चाहिए, फ्लैट बेड काम करेगा, प्रिंटर इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया लास्ट तक वीडियो देखिए। तो अभी हम खोलने वाले हैं ATF, जिसका ऑटोमेट ये वाला हिस्सा है, जिसके फ्लैट बेड है, इसे ATF बोलते हैं ऊपर वाले को, इस हिस्से को, ठीक है। तो ये पूरा एक ही यूनिट में आ जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार बिट लगता है, तो इसको हम खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए हमने एक केबल ले लिया, देखिए, तो ये 18 पिन की केबल है, और ये आसानी से मिल जाता है 226 के ना, ये लगभग 50 से 100 रुपए के बीच में आपका केबल मिल जाता है आसानी से रिटेल में। और इसमें कुछ पेच लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेच लगे हैं टोटल। इनको खोल के ग्लास हम एक्सेस एरिया को निकालेंगे, तो हम इसको केबल को रिप्लेस करके प्रिंटर को रेडी कर देंगे। तो इसको हम स्टार बीट से खोलेंगे, और खोलने के बाद तो हमने सारे पेच यहाँ पे खोल लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कभी कभार नीचे पेच होता है, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर से होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला ग्लास उठाएंगे, ऐसे निकल जाएगा, देखिए, ओके। ATF की केबल यहीं इसी में होती है कनेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसी में ATF की केबल लगा के साइड से पैक कर देंगे, ठीक है। इधर से आके इसमें ATF की केबल लगता है। तो ये हमारा CCD का केबल है, अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, नया केबल हमने ले लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर से ही लगाते हुए जाएंगे, इसमें ऐसे जैसे रूट है वैसे लगाते जाएंगे। तो एक बार लगाओ, तो ये वाली जो कनेक्शन है ऐसे पहले CCD में लगेगी, इसको निकाल देते हैं पुराने वाले को,
पुराना वाला ऐसे निकल जाएगा और नए वाले को हम लेंगे ऐसे ही, जैसे एज इट इज़ है ऐसे लगाते जाएंगे। नया वाला है, पुराना वाला हमें वो हटा दिया हमने। तो इस तरह से आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। और इसको केबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट कर देंगे ऐसे कि ये बाहर ना निकले, आसानी से ऐसे रूट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल रूट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे केबल। बिल्कुल फिनिशिंग हमारा है, देखिए ये हो गया अपना केबल फिक्स। और इस पोजीशन पे यहाँ पे कट है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, ये देखिए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे पुराने केबल को जो चिपका हुआ है टू साइड टेप, तो हम यहाँ फॉलो करते हुए उसे आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो इस यहाँ से केबल निकालेंगे, ये देखिए निकल गया। तो ऐसे इंसर्ट करके और यहाँ से केबल जैसे यहाँ पे ऐसे होल्ड हुआ था ऐसे कर देंगे, फिर केबल नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कट लगाना होगा, क्योंकि ओरिजिनल केबल में यहाँ पे कट ऑलरेडी होती है, लेकिन यहाँ हमें मैनुअल कट करना होगा ब्लेड से। तो अभी हम कट कर लेते हैं, फिर इसे यहाँ पे टू साइड टेप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये टू साइड ये ब्लेड होता है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदाजा से यहाँ से कट कर लेंगे कि केबल ना कटे आपका, नहीं तो ये केबल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए केबल को हमने यहाँ से कट कर लिया, और थोड़ा हम इधर भी बढ़ा लेते हैं जिसको लेंथ से आसानी से हमारा केबल यहाँ पे लग जाए। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये फिक्स हो चुका है अपना केबल। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 19-20 कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ टू साइड केबल लगा टेप लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे टू साइड टेप है अपने पास, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि यहाँ पे लगा होगा यहाँ पे निशान होता है पुराने वाले का, तो हम वहाँ पे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा उठा लेंगे ऊपर की तरफ, और ऐसे जो इसका है पार्ट नीचे रह जाएगा, और इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने आसानी से हमें केबल को रिप्लेस कर लेना, और जो है थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आगे बढ़ा लेना चाहिए। अदरवाइज जब भी हम स्कैनर को ऑन करेंगे तो ये इनिशियलाइज प्रॉपर नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टेप को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये स्कैनर को आगे नहीं जाने देगा और स्टक हो जाएगा, जिसकी वजह से इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा निकाल के एक और टेप ले रखा, तो हम लगाएंगे इस लेंथ से, हम बाहर लगाएंगे क्योंकि ये ओरिजिनल केबल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं कंफर्टेबल केबल ही मिलते हैं ज़्यादातर से। ठीक है, तो इस तरह से, नहीं तो ये केबल क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा अदरवाइज। नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक तो हो गया, बट
ठीक है, तो इस तरह से लगा लेंगे और ये थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए और यहाँ तक आ जाएगा आसानी से। तो ये अपना हो और ये इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फिक्स कर देंगे ऐसे टू साइड टेप लगा के यहाँ पे भी नीचे से, तो यहाँ भी टू साइड टेप लगा लेंगे जिसके वजह से ऐसे ब्लॉक भी होता है। टू साइड टेप हम हटा लेते हैं, लॉक को ही लगा लेते हैं। उससे बिफोर हम क्या करेंगे, एक ADF केबल को लगाएंगे, एक ADF केबल लेकर आते हैं उसको लगाएंगे और देखेंगे। तो ADF केबल भी हम यहाँ से रूट कर लेते हैं बाहर, हम यहाँ लाइन कर लेंगे दोनों, इस केस में ख़राब है तो इसके लिए हम एक बार यहाँ से ओपन करेंगे इससे को ऐसे। यहाँ पे ADF केबल होता है साइड में, तो इसको भी हम लगाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों बताना चाहूँगा इस लॉक भी निकालने का, ये निकाल देते हैं यहाँ पे, ऐसे लॉक होता है। और यहाँ पे भी इसका लॉक होता है, प्रेस करके इस कवर को निकालेंगे, ये केबल निकल जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केबल लगा देंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे पुराने वाले केबल से मैच कर लेंगे यहाँ इस साइड में, फिर हम लगाएंगे केबल को। ठीक है, परफेक्ट मैच हो रहा है तो इसको लगा लेते हैं। और इधर से रूट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया अपना। और ये लॉक को भी हाथों हाथ लगा देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। और इस केबल को यहाँ से इंसर्ट करते हैं और ये अपना ओके हो जाएगा। पैक करके भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसका लॉक लगा लेते हैं, दो लॉक हैं ऐसे लगा रहे हैं, लगा लेते हैं इस तरह से और ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से हम ग्लास लगाएंगे, ग्लास
ये अपना लग गया और इस पर PDF हम थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगा देंगे। अब चलते हैं ऑन करके देखते हैं कनेक्ट करके। पहला रेडी स्टेट कंडीशन, पावर आ चुका है और इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, बट हमने यहाँ पे फैक्स केबल को नहीं लगाया, ठीक है। और ये तो भी प्रिंटर इनिशियलाइज हो चुका है, देखिए इनिशियलाइज हो रहा है और फैक्स हार्डवेयर इज और एरर दे रहा है। तो हम कोई बात नहीं, ओके करेंगे तो ये प्रिंटर स्कैनर 13 में पहुंच गया, क्योंकि अभी भी ये कनेक्टिविटी का ये स्कैनर इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो स्कैनर 13 दे रहा है तो इसको भी हम साथ में फिक्स करेंगे। बंद हो गया यहाँ से, देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से फैक्स केबल को लगाएंगे दोबारा से अच्छे से, और अगेन प्रिंटर को ऑन करेंगे, ठीक है। और इसको भी मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट वगैरह लग रहा है, तो इसको अच्छे से हम क्लीन करके फिर से भी देखेंगे। केबल चेंज करने से इनिशियलाइज तो हो रहा है, बट स्कैनर 13 यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं कर रहा। देखिए स्कैनर 13, तो इसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। इसको हम दोबारा रिफिक्स करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड, नया दोबारा कनेक्शन रिफिक्स करने के बाद केबल लगा था, दोबारा से चेक करते हैं। CCD केबल रिप्लेस करने के बाद प्रॉपर तरीके से अभी इनिशियलाइज हो जाएगा। पेज दो पेज देखिए इनिशियलाइज हो रहा है, और यहाँ पे भी स्कैनर भी मूवमेंट कर रहा है और लाइट भी जलने वाला, और ADF भी हमारा काम कर चुका है, मोटर भी घूम रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। देखिए रेडी हो चुका है, अब निकालते हैं इसका टेस्ट पेज, सेल्फ टेस्ट डेमो पेज। प्रिंटिंग और पेज पिक, देखिए पेज पिक कर चुका है और ये आ गया है। टोनर हमारा लाइट है जिसके वजह से आ रहा है। तो देखिए इशू रिजॉल्व हो चुका है दोनों केबल रिप्लेस करने से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।